नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपना अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, कल वीडियो पर काफ़ी साथियों या स्टूडेंट के कमेंट्स थे, क्या सर एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस तो नहीं चेंज होगा हो जाएगा? फिलहाल इसके पहले भी मैंने ये चीज़ बताई है और फिर भी इस चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पिछली TGT और PGT परीक्षाओं में एग्ज़ाम और सिलेबस रहा है, सेम ही रहेगा। काफ़ी लोग कह रहे थे सर क्या नया आयोग बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं कि पेपर में दो पार्ट कर दिए जाएं, कुछ सिलेबस का प्लस GK करंट चीज़ों का? तो मैं बता दूं कि इसमें कुछ भी नहीं, जो विज्ञापन में होता है शर्तों में उसी के अधीन पेपर कराए जाते हैं, और विज्ञापन पुराना सेवा चयन आयोग या जो हायर में निकला था वैसे ही रहेगा। कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, ये अपने माइंड में कदम हटा दीजिए कि कोई एग्ज़ाम का परिवर्तन यानी सिलेबस का परिवर्तन हुआ, पैटर्न का परिवर्तन किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बड़ दृढ़ता से पढ़ाई करते रहिए। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम होने की संभावना मुझे जो लगती है प्रेजेंट में, अगर जल्दी जल्दी एक बहुत एक या डेढ़ महीने में अगर ये सदस्यों का चयन हो जाता है तो जनवरी फरवरी तक अधिकतम संभावना है, और अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा डिले भी जा सकता है, तो ये मान के चलिए। लेकिन अपने माइंड के वो भ्रम को हटा दीजिए कि सिलेबस व एग्ज़ाम पैटर्न परिवर्तित होगा, कुछ भी नहीं, सेम रहेगा। आप बस उसी सिलेबस और उसी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। चलिए साथियों, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।